हेलो फ्रेंड्स, इंडिया के पास ऐसी स्पेशलिटी और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो दुनिया के किसी और कंट्री के पास नहीं है। वो है उसका डाइवर्स नेचर। इंडिया में हमें हर तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग और डिफरेंट कल्चर फॉलो करने वाले इंडियंस। मोर ओवर, इंडिया में हर प्रोफेशन देखने को मिलता है, जैसे डॉक्टर, पुलिस, लॉयर, टीचर एक्सेट्रा। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ इंडिया के बारे में। 1947 से लेके अब तक इंडिया ने 26 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। वहीं 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में चाइना ने अकेले 100 गोल्ड मेडल जीता था। सो स्ट्रेंज। बट एक ऐसी चीज है जो इंडिया चाइना से भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, वो है नंबर ऑफ इंजीनियर्स। वाओ, नाउ दैट्स अमेजिंग थिंग अबाउट इंडिया। एटलीस्ट ये पॉइंट सुनने के बाद इंडियन इंजीनियर्स को थोड़ा प्राउड फील होगा। एक्चुअली हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दो मिस्टेक हमेशा करते हैं। पहली, दे आर एक्सट्रीमली गुड इन स्टडीज। दूसरी, दे आर स्पेशली गुड इन मैथ। और जब वो ये दोनों मिस्टेक साथ में करते हैं, दे लीड टू थर्ड मिस्टेक, दैट इज इंजीनियरिंग। हर साल सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी से ही मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियर बन के निकलते हैं। बट द सैड पार्ट इज Only 10% of engineers get job and employment. Reason behind unemployment of Indian engineers. Pehla reason hai social level, which include different caste, increase in competition and continuous growth in corruption. Dusra reason hai individual level, which include poor communication skill. Here, the first thing that is included in poor communication skill is poor English. आज बहुत से इंजीनियर्स फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स 60% ऑफ देम आर ओनली क्वांटिटेटिव इंजीनियर्स, जो इंजीनियरिंग के पूरे 4 साल सिर्फ बुक्स और असाइनमेंट में बिजी रहते हैं। वो ना तो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, नाइदर दे नो कि प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, एंड ऑल्सो दे हैव नो आइडिया हाउ टू क्रैक डिफरेंट इंटरव्यू एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसकी वजह से They lag behind in communication skill and don't get any job. Wind of emerging IT sector in India. After passing 12th standard, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का डिसीजन लिया। बट उस वक्त मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज IT इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने बहुत ही वियर्ड फील्ड हो रहा था, इसलिए मैंने IT को छोड़ के दूसरी ब्रांच में एडमिशन लिया। बट इन फाइनल ईयर जब टॉप IT कंपनीज प्लेसमेंट के लिए मेरी कॉलेज में आई, तो आई वॉज इन लव विथ IT इंजीनियरिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा सिनेरियो चेंज होने लगा फ्रॉम ईयर 2007, व्हेन ग्रोथ एंड डिमांड इन मोबाइल एंड कंप्यूटर सेक्टर स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। द डिमांड वॉज सो हाई कि इंडिया के अलग अलग स्टेट में टॉप IT कंपनीज स्टार्टेड बिल्डिंग अप, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इन IT सेक्टर सडनली इंक्रीज। इन द करेंट सिचुएशन IT का क्रेज इतना बढ़ गया है कि इंजीनियर्स हु हैड डन देयर इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, EXTC एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस हैव स्टार्टेड डूइंग जावा एंड C++ कोर्सेस, सो दैट उन्हें एक टॉप IT कंपनी में जॉब मिल सके। एक इंटरेस्टिंग बात इंडिया के बारे में ये भी है कि इंडिया में लोग पहले इंजीनियर बनते और फिर डिसाइड करते कि वॉट दे वॉन्ट टू बिकम इन लाइफ। एग्जाम्पल, कीर्ति सेनन, one of the charming actress in Bollywood, Nitish Kumar, Chief Minister of Bihar, Ravi Chandra Ashwin, famous bowler of Indian cricket team, Chetan Bhagat, one of the famous writer in India. In sab mein ek common cheez hai, they are all engineers by education, but today they are all successful in different field rather than engineering. USA connection with Indian engineers. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री है, इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, कार फ्रॉम जापान एंड TV फ्रॉम कोरिया। देन व्हाट दे इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया? अमेरिका इम्पोर्ट ह्यूमन रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ वैल्यूएबल इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया, स्पेशली फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज IIT। जहाँ इंडियंस रिजर्वेशन के पीछे बिजी है, वहीं अमेरिका is continuously picking up deserving people from India. शायद यही रीजन है कि सुंदर पिचाई
is the first Indian-born CEO of Google, who has done his engineering from IIT Kharagpur. In fact, in the south part of India, parents अपने बच्चों को engineer इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को job के लिए USA भेज सके. And when their child returned from USA, during his marriage time, वो ज्यादा दहेज की demand कर सके. Reason behind unskillful engineers in India. ये एक 50-50 situation की तरह है, where first half include the different education system in Indian school and colleges. आज बच्चों को divide किया जाता है according to their age and not according to their skill and talent. Exam लिए जाते हैं just to pass or fail and not to check ability and strength of student. अगर यही system चलता रहा तो school और colleges will continuously produce student who are boring, dull and uninspiring. The second half include student itself. Our student complain करते हैं that there is no placement in college, no job for them, no company to hire them. But the question arise here is, are they capable for that job? 80% of student get rejected in first round of aptitude test only. Then how we can expect job in top company? आज के जमाने में जहां competition बढ़ता जा रहा है, student have to be more skillful and extraordinary in order to get job in top companies. So to conclude, engineer एक gift है to this technical world, provided that he or she is talented and at the same time skillful also. There is lots of good job available not only in India, but all around the world. हमें बस उस world से connect करना है by standing on company's expectation. Always remember, engineers have a disease called awesomeness. एक और important बात, अगर आप हमारे एक भी वीडियो मिस करना नहीं चाहते तो हमारे YouTube चैनल EUS Media Production पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल आइकॉन पे क्लिक करके ओके कर दें. You can also follow us on Facebook and Twitter for more updates. लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी हो. अपने व्यू और ओपिनियन कमेंट करें. सपोर्ट करें हमारे चैनल को बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू विन.